मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे दी हूँ, इनका नाम है विश्व, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। होला मी अमीगो, वेलकम टू माय चैनल लिविंग वाइब्रेंटली। आज हम आप लोगों को लेके जा रहे हैं ओम्बी का कालना का बड़ा बाजार। ऐसे तो कलकत्ता का बड़ा बाजार आप लोग को मालूम ही है, लेकिन आज हम लेके जा रहे हैं ओम्बी का कालना का बड़ा बाजार। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है और क्यों फेमस है। फर्स्टली मैं ये बता दूँ कि ओम्बी का कालना में जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत जन हैं जो है कि ओम्बी का कालना में ट्रांसफ़र होके आते हैं, लेकिन उन लोग को पता ये नहीं रहता है कि मार्केटिंग कहाँ करी फॉर डेली यूज़। तो ये एक मार्केट है जहाँ एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, और ये है एक, मतलब इनके पास क्या है ना, सारे तरह के पेड़ रहते हैं एंड ऑल दीज आर वेरी यूनिक। इट्स लाइक हिबिस्कस, वो तो कॉमन है, और भी जैसे कि जो फ्रूट्स होते हैं उन सब का भी पेड़ होते हैं, लाइक गुआवा। आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे है लोटस का, ठीक है। इसका प्राइस बोल रहे थे 750 काइंड अप्रॉक्स। और देखिए यहाँ पे आपका है मुसम्बिका है, फिर आता, बंगाली में आता कहते हैं। हम अभी यहाँ आए हैं, यहाँ पे आपका बहुत सारा पेड़ मिलता है, जैसे कि आपका मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये जो है ये आपका है तेज पत्ता, तेज पत्ता तो कोनो फल है ना, खाली यहाँ पे ये जो है ये आपका है मुसम्बी, एंड ये जो है देखिए दादा आता, ये आपका है आता, एंड और भी बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पे आपके क्रिसमस ट्री का है, आपका गुआवा का मिल जाएगा, एप्पल फूल अच्छे, एप्पल एप्पल फूल आपने एक बार बोले दिन की थी ऐसे, एप्पल फूल अच्छे, एप्पल फूल अच्छे, তারপরে তোমার 12 মাসে ক্যাটাল আছে, তারপরে থাইনা নাম আছে, হ্যাঁ, তারপরে 3 বছরের নারকেল আছে, 12 মাস আপনার কত, হ্যাঁ, আর এমনি ভ্যারাইটির মাল আছে, পদ্ম আছে, চালতা আছে, 12 মাস চালতা, চালতা তো তবে হবে না, ঠিক আছে, মিথ্যা কথা বলেলাম, মিট মশলা পাতা, হ্যাঁ, মিট মশলা, মিট মশলাটা নিতে পারো, মিট মশলাটা খুবই ভালো, হ্যাঁ, ওটা খুবই ভালো, 12 মাসে আম যদি তবে লাগাও তাহলে এটাও ভালো, আবার এই বেটেটাও ভালো, এই বেটে গাছ, হ্যাঁ, গাছে তো অনেক রকমের আছে, আমি নাবাই না, নাবাতে তুলতে কষ্ট লাগবে বলে, আঙুর আছে, কালো আঙুর, কালো আঙুর তবে হবে, হ্যাঁ, এরম এরম কালো আঙুর এই সাইজ। यहाँ पे मुझे जो एक स्पेशल चीज़ दिखा वो है, हम लोग जो मीट मसाला देते हैं तो वही मीट मसाला का जो पत्ता होता है, वी कैन यूज़ दैट मीट मसाला पत्ता इन डिफरेंट काइंड ऑफ करीज। आंवला की जो आंवला हम लोग खाते हैं शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे है, नॉट ओनली शुगर पेशेंट, फॉर मैनी पीपल इवन। सो यहाँ पे आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगे, लाइक अगर आपको कुछ मंगाना भी है आप उनको मंगा भी सकते हैं। This is really a such a place that you can buy any tree from here, any. अभी हम लोग चौक बाजार मार्केट की तरफ घुस रहे हैं। यहाँ पे देखिए सारी फ्रूट्स की दुकान है, एंड यस, फ्रूट्स यहाँ के बहुत ही अच्छे होते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। यहाँ आप पूरा देख सकते हैं सुबह, संडे की सुबह में कैसे बाज़ार लगे हुए हैं, सब बाज़ार करने आए भी है। यहाँ पे हर तरह के दाल है, खीरा देखिए, एंड ये ऑल, मतलब ये यहाँ जितना सारा आप देख रहे हैं सब्जी, एकदम पूरा खेत से आता है, और फिर इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज इट्स फ्रेश, और फ्रेश खाने का मतलब और मज़ा ही कुछ और होता है। तो यही है, थोड़ा मार्केट एरिया है, सब्जी मार्केट एंड ऑल। फिर अभी हम लोग टोटो पकड़ के पेड़ सारे खरीद के घर लेके जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए चौक बाजार से, तो अभी वीडियो एंडिंग का टाइम आ गया है। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रही है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अभी जिस बाज़ार का व्लॉग की, दैट इज़ चौक बाज़ार, तो वो
एक्चुअली बेनिफिशियल है जो यहाँ के लोग हैं, मतलब कालना के, जो कालना अंबिका कालना में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है फॉर लोकल मार्केट। सो ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग बहुत दूर दूर से आ जा रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ का लोकल मार्केट थोड़ा आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ इसीलिए, क्योंकि क्या है ना कि कोई कोई जिन लोगों का ट्रांसफ़र इस साइड में होता है, लाइक वो लोग तो नए रहते हैं, कोई यूपी से रहते हैं तो कोई राजस्थान से रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट्स, तो उन लोग को पता नहीं रहता कि कहाँ से क्या खरीदे। तो इफ़ यू गाइज गो टू दिस चौक बाज़ार देन यू कैन गेट एवरीथिंग इन अ स्मॉल प्लेस, ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं ये वीडियो, ये ब्लॉग बनाई, और अगर इस वीडियो से आप लोगों को लगे कि नहीं बहुत अच्छा होगा, ये ब्लॉग बनाई अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ओके लेट्स बाय, नेक्स्ट ब्लॉग कुछ आएगा तो स्टे ट्यून्ड।